नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में, जहां हम आपको अगले एक घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें। नंबर है 9167329108 पर आप अपने फ़ोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप हमें अपने सभी सवाल भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो अगले एक घंटे तक आपके साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर रवि सिंह है, मार्केट एक्सपर्ट है, विनीत बोलिंजकर हैं, हेड रिसर्च है वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दर्शकों को अगले एक घंटे तक मदद करने वाले हैं। सबसे पहले बाजार की अगर चाल अगर आप देखें तो बाजार निफ्टी करीब करीब 120 अंकों की तेजी यहां पर दिख रही है, 19,250 के ऊपर निफ्टी। सेंसेक्स में 375 अंकों का उछाल है, निफ्टी बैंक करीब 300 अंक ऊपर है, 43,300 के ऊपर। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल जहां पर आज 4.5% की तेजी दिख रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज, हीरो मोटो, यूपीएल में भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। मजबूत बाजार में आज जो कमज़ोर है वो है एसबीआई लाइफ, जहां पर करीब 1% की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा एनटीपीसी और डॉक्टर रेडीज, यानी निफ्टी के गिरने वाले ये तीन शेयर हैं जहाँ पर आज दबाव दिख रहा है। कोटक बैंक भी अब हल्की नरमी दिखाना शुरू कर दिया है। ब्रॉडर मार्केट में अगर देखें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन है, सारे जितने भी सेक्टर्स हैं सब में चौतरफा तेजी आज दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट की चाल भी अगर बता दे जहाँ पर आज ज़बरदस्त तेजी दिख रही है तो उनमें MRPL जहाँ पर करीब 8% का उछाल देखने को मिला है, वक्रांगी करीब करीब 8% की तेजी यहाँ पर भी है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब, IB रियल एस्टेट, कॉनकॉर जहां पर 5-6% के आसपास की तेजी इन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रशांत भी मौजूद है, प्रशांत और आगे आप कैरी करें। बिल्कुल विश्वमोहन, जिस तरह से आपने बाजार का विश्लेषण किया, बाजार को अगर हम देखें तो जिस तरह के ट्रेंड्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं उस पर है एक अहम राय ले लेते हैं। विनीत सर, मैं आपके पास आऊँगा। सबसे पहले बाजार को जो ये तेज़ी नज़र आ रही है, ये अच्छे संकेत को लेकर क्या नज़रिया बन रहा है? क्या ये जो तेज़ी है इसकी सवारी करनी चाहिए या अभी भी थोड़ा कॉशस अप्रोच रहेगा? देखिए, आज का दिन थोड़ा महत्व का दिन है। वहां पे हिजबुल्ला ने बोला है कि अगर आप ट्रूस कॉल आउट नहीं करते तो सारा जिहादी संगठन इकट्ठा होकर इसराइल पे अटैक करेंगे। तो अगर ये थोड़ा बहुत सीज फायर होता है टाइमिंग थ्रू द डे ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा। और अगर ये इंडेक्स आपका 19,300 के ऊपर कूदाता है तो जरूर बनना चाहेंगे, क्योंकि एक वॉल ऑफ वरी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। निफ्टी को लेकर यह व्यू है, लेकिन चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है मनोहर है मुंबई से, जियो फाइनेंस के 300 शेयर है इनके पास 236 रुपए के भाव पर। रवि जी, क्या लग रहा है, ये काफी निवेशकों के रडार पर ये स्टॉक्स है, उनको काफी उम्मीदें भी है, क्या लग रहा है ये शेयर आगे चलेगा? 236 पे इन्होंने खरीदा है, फिलहाल भाव है 218.95 रुपए, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, फिलहाल तो अभी पोजीशन को यहाँ पर विश्वमान जी होल्ड करके रखना चाहिए। चार्ट पे अगर देखते हैं तो 200 का काफी स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक 200 के अभी सपोर्ट के पास है तब तक इनको अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखनी चाहिए। जहां तक मोमेंटम की बात है, अगर एक बार ये स्टॉक वापस से 235 के ऊपर निकला तो आपको नए टारगेट यानी 250 और 256 रुपए के देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है पैनिक मत करिए, पोजीशन यहाँ पर अभी रोक कर रखिए और जितना हो सके आप अगर एवरेज करना चाहें तो कोशिश करें कि वो 210 और 215 का जो रेंज चल रहा है यहां पर आप अपनी पोजीशन को और एवरेज कर सकते हो तो करें। तो टारगेट होगा 250 रुपए का, 235 के ऊपर निकलते ही स्टॉप लॉस आप 200 कर रखिए, कोई पैनिक नहीं। यहां पर आपको अपनी पोजीशन होल्ड करने की सलाह, अहम लेवल्स भी आपको सुझाए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मधुसूदन जी हैं हैदराबाद से हमारे साथ इस वक्त। मधुसूदन जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हेलो मधुसूदन जी, आवाज आ रही है आपको? हमारे पास SC ग्लोबल है जी जी, उसकी क्या पूछे? हाँ, अभी मेरी खरीद है करीब 40-41 रुपए की। ठीक है, तो अब उसको रखना चाहिए या खत्म करना चाहिए? ठीक है ठीक है, तो SC आपने क्या बताया? SC ग्लोबल, और एक मंगलम अभी अलॉटमेंट में आया अलॉय।
1600 शेयर का वो S&P था, वो 50 रुपए ही चल रहा है, 80 रुपए में अलॉटमेंट में आया। अभी क्या भाव आप देख रहे हैं? अभी करीब 7.80 रुपए ठीक है। चलिए SVP ग्लोबल पे हम एक राय आपको दिलवाते हैं। रवि जरा बताइए क्या करना चाहिए, बहुत भारी भरकम नुकसान SVP ग्लोबल में इनको हो रहा है। देखिए फिलहाल तो अगर चार्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है और स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड चैनल पे कंटिन्यू है, कुछ बचा है नहीं, 8 रुपए का स्टॉक है, वॉल्यूम भी बहुत लेस है। तो सर अभी तो फिलहाल आपको यही राय दे सकता हूँ कि इस स्टॉक से अब आपको कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और रिवर्सल के भी कोई साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर यहां पर देखें तो मुझे लगता है कि एक बार को एग्जिट होना चाहिए, लेकिन अब 8 रुपए पे शायद इनके लिए एग्जिट हो पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप 8 रुपए का शेयर है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पुल बैक अगर आता है, 10 रुपए के आसपास आता है, तो एक बार एग्जिट हो जाइए, लॉस बुक कर लीजिए, दूसरे और शेयरों पे निवेश करने में ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल इस शेयर की बहुत ज्यादा कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाई देती, बल्कि मुझे लगता है शायद इस समय ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आइडिया जो कि इस समय अच्छा खासा मोमेंटम पे है, 12 रुपए की तरफ है, बहुत जल्द मुझे लगता है कि 16 रुपए के टारगेट अचीव कर सकता है, तो वो थोड़ा यहाँ पर ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है, तो मुझे लगता है उसकी तरफ आपको जाना है। यानी इस तरह के स्टॉक से बचने की सलाह रवि जी आपको दे रहे हैं। टेक्सटाइल कंपनी है लेकिन जिस तरह का स्टॉक है यहाँ पर रिस्क आपको काफी ज्यादा होगा। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ सुधा है नागपुर से, UPL के शेयर है उनके पास। सुधा जी फोन लाइन पर भी मौजूद है। सुधा जी बताइए क्या सवाल है आपका पूरा? सर मेरे पास UPL के 20 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 737 और एक और क्वेश्चन था सर मेरे पास बिरला सॉफ्ट के भी 40 शेयर है एट द रेट ऑफ 337, तो दोनों का क्या करना है? बिरला सॉफ्ट के और UPL के, इन दोनों शेयरों पर राय चाहिए विनीत जी। UPL पिछले कुछ महीनों से काफी कमजोरी दिखा रहा है, हालांकि आज के सत्र में तेजी जरूर दिख रही है, क्या करना चाहिए इन दोनों शेयर में विनीत जी? नहीं, दोनों में होल्ड करिए, आपका बिरला सॉफ्ट काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा और UPL हमें लगता है कि इस भाव से ज्यादा कुछ डाउनसाइड हमें लगती नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्रोकेमिकल स्टॉक्स आगे जाके बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। बढ़ते आगे, मोहित जैन हैं, उनका सवाल हम तक का पहुंचा है। टाटा स्टील के इनके पास 85 शेयर इस वक्त हैं, 123 रुपए के भाव पे इन्होंने टाटा स्टील में एंट्री की है और काफी आसपास ही है इनके भाव के फिलहाल ये स्टॉक का। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। विनीत जी क्या करना चाहिए टाटा स्टील में? नहीं, बने रहिए, यहां से ज्यादा मंदी है नहीं और ये थोड़ा रेंज बाउंड ही रहने वाला है, तो आपको इमीडिएटली कुछ एक्सपेक्टेशन की के बहुत बढ़ जाएगा ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, तो आप इसको होल्ड कीजिए, जब आपका प्राइस टारगेट वापस आ जाएगा निवेश का लेवल, तभी आप उसको एग्जिट करके दूसरा कोई स्टॉक ले सकते हैं, जैसे JSW स्टील अगर आपको स्टील में ही इंटरेस्ट हो। जिस तरह की रिपोर्ट भी आई थी ब्रोकरेज हाउसेस की, उनको लग रहा है कि चीन में अगर दाम नहीं बढ़े तो दबाव बढ़ सकता है और टाटा स्टील का ब्रोकरेज हाउसेस ने जो टारगेट है 140 से घटाकर 120 भी कर दिया था, तो ये एक रिपोर्ट टाटा स्टील पर ब्रोकरेज हाउसेस की। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ ललिता हैं महाराष्ट्र से। ललिता जी पूछिए क्या सवाल है आपका? एसोसिएट के 2000 शेयर है। ओके, कब खरीदा आपने और किस भाव पर खरीदा है? 10.5 के भाव पे खरीदा इसमें। कब खरीदा था आपने मैम? 1-2 साल हो गए। ओके, 1-2 साल हो गए। रवि जी इस तरह के स्टॉक्स में के कॉलर्स भी आज काफी आ रहे हैं, JP एसोसिएट हालांकि भाव इनको काफी फायदा हो रहा है, 17-18 रुपए का भाव है, इनकी खरीद 10.5 के आसपास की है, मुझे याद है 2008 के मंदी के आसपास ये 300 रुपए के आसपास का हुआ करता था JP एसोसिएट। देखिए उसके बाद वो 5 के नीचे भी गया, जिस तरह की गिरावट और जिस तरह का पैरेंटेज है, क्या लग रहा है आपको इस तरह की कंपनियों पर, क्या राय देंगे आप? ये जो शेयर है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, इसमें थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग के एफर्ट्स चालू है, तो आप इसके होल्ड करके रखिए या आप इसमें आधा मुनाफा लेके आप इसको होल्ड पे रखिएगा। अच्छी सलाह ये होगी पूनम जी आपके लिए, आपके जो कॉस्ट इसमें लगे है ना, कॉस्ट को निकाल लीजिए
और जो प्रॉफिट के जरिए आपके कॉस्ट निकल जाएंगे, फिर बाकी जो प्रॉफिट है उसको छोड़ दीजिए। अगर रिस्ट्रक्चरिंग होती है, अगर इसमें अच्छी रिकवरी आती है तो फिर आप उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ नारायण हैं जोधपुर से। नारायण जी पूछिए, क्या सवाल है आपके? नमस्कार जी। नमस्कार सर, कर्नाटक का बैंक है मेरे पास 220 शेयर। ओके, किस भाव पे खरीदा था आपने? 138 पे। कितना समय तक रुक सकते हैं सर? रुकने का तो अभी रुके भी हैं, अब क्या है आगे इसका फ्यूचर ये थोड़ा। ओके रवि जी, 138 रुपए पे इन्होंने कर्नाटक बैंक खरीदा है, क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए इनको? और जी बिल्कुल, देखिए अभी अपवर्ड चैनल पे यहाँ पर मूव कर रहा है, 200 डीएमए को देखते हैं तो वो 180 के पास है। हालांकि इसने एक टॉप बनाया था 254 रुपए के आसपास का और 218 पे चल रहा है, तो ये इनफैक्ट कहा जाए कि विश्वमोहन जी यहाँ पर ये वापस एक फ्रेश बाय कॉल भी जनरेट कर रहा है। तो आप अगर होल्ड कर रहे हैं अपनी पोजिशन को, बिल्कुल होल्ड करिए, 210 के स्टॉप लॉस से चलने दीजिए, 253 पहला लक्ष्य होगा जो कि अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो पोजीशन अच्छी है, बिल्कुल होल्ड करिए, जल्दबाजी मत करिए प्रॉफिट बुक करने की। वैसे भी लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक और भी आगे चलने वाला है, 280 रुपए तक इसके लक्ष्य आएंगे, तो फिलहाल 253 के आसपास आता है। तो एक बार ईटी स्वदेश को फिर से कॉल करिएगा और आपके साथ तो बेस्ट जोड़ी बैठी हुई है जो कि आपको सजेशन दे यहाँ पर मिलेगी, तो मुझे लगता है कि विश्वमोहन और प्रशांत जी आपको काफी अच्छे सजेशन और आगे प्रोवाइड करा पाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर संकेत बेहतर और नजरिया आगे भी आपको उन लेवल्स के बाद जिनको रवि ने सुझाया उस पर हम आगे आपको देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक खास सेगमेंट तैयार है आपकी स्क्रीन पर आने के लिए और यह है ऑप्शन का चैंपियन। और हमारे साथ फिन व सिफाई की ध्वनि पटेल आज ऑप्शन की रणनीति सुझाने के लिए जुड़ गई हैं। ध्वनि गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग, आज की हमारी जो ऑप्शन की रणनीति रहेगी वो बैंकिंग सेक्टर में रहेगी। बैंकिंग में हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो यहाँ पे स्टॉक है वो मुझे अच्छा लग रहा है, इसे कॉल ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड करेंगे। 205 का बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन आपको लेना है, इसका अभी जो प्राइस है वो 5 से 5.5 रुपए के बीच में चल रहा है, आपको उसी प्राइस पे लेना है। टारगेट इसका 9 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 4 रुपए का मेंटेन करके चलना है। इसका अधिकतम फायदा जो आपको है वो 10,200 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान जो यहाँ पे है वो 4,400 तक का है। बहुत शुक्रिया करेंगे ऑप्शन की रणनीति सुझाने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर ध्वनि जी की ऑप्शन रणनीति, 205 की कॉल खरीदें, लक्ष्य 9 का, स्टॉप लॉस 4 का, 10,200 तक का फायदा लेकिन नुकसान 4,400 तक का। लेकिन यहां पर आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर दे देते हैं कि वायदा बाजार में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, तो सोच समझ कर तमाम बातों का ख्याल रखकर ही निवेश करें, रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ होता है। चलिए टन के नतीजे भी आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं ये नतीजे, बताने के लिए हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला है। विनी बताइए किस तरह के नतीजे की उम्मीद की जा रही है बाजार? तो यस, टाइटन के जो नंबर्स है ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 20% की रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। यहाँ पे मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, 12.32% पे मार्जिन है वर्सेस लास्ट ईयर 14% पे एक्सपेक्टेशन है और प्रॉफिट्स म्यूटेड रहने वाले हैं ये टाइम अराउंड। अब मेनली डीले इन फेस्टिव सीजन था, ये क्वार्टर में अधिक मास भी आ रहा था, तो कंपनी ने अपने Q2 अपडेट में बताया था कि इसकी वजह से मे बी थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी के लिए और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ म्यूटेड ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट्स और मार्जिन में भी थोड़ी डिक्लाइन दिख रही है। मार्जिन को क्या इम्पैक्ट करिए कि लास्ट उनका हाई बेस भी था लास्ट टाइम, भूलिए मत, तो यस वो भी है और एक तो उनकी स्टडीड इन्वेंटरी गेन्स है वो अब नहीं है ड्यू टू दैट और हायर कंज्यूमर एक्टिवेशंस है एंड प्रमोशंस है जिसकी थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है वहाँ पे। नए जो उनके ग्रोथ इंजन है जैसे वेरिएबल सेगमेंट, नेरा, कैरेट लेन, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी से और उन्होंने Q2 अपडेट में भी ये बताया था और उनके Q2 अपडेट में उन्होंने हाईलाइट किया था ज्वेलरी डिवीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 19% की ग्रोथ होगी, वॉचेज में अराउंड 32% और 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आई केयर बिजनेस में। ओवरऑल फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर क्या है, कॉमेंट्री क्या है, डिमांड आउटलुक पे, अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है तो अभी क्या डिमांड रिकवरी दिख रही है कि अभी भी सब्ड्यूडनेस है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। प्रोडक्ट मिक्स, स्टडेड रेशो, उनकी सेल्स कैसे बढ़ रही है और वॉल्यूम ग्रोथ क्या है कंपनी का, एसएसएसजी ग्रोथ क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कंपनी के लिए वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, मैनेजमेंट की कमेंट्री पर खास तौर से नजर रहेगी कि वॉल्यूम ग्रोथ पर किस तरह की कमेंट्री आ रही है, आगे का क्या गाइडेंस वो दे रहे हैं और फेस्टिव सीजन अब तक कैसा रहा है और आगे क्या उम्मीद वो लोग कर रहे हैं। विनी जी, नतीजों का अनुमान विनी बता रही थी, मार्जिन में यहाँ पर दबाव दिख सकता है, क्या लग रहा है, क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए और निवेशकों के लिए टाइटन में?
विनय जी ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा, फिर बताइए टाइटन पर अपनी राय। गोल्ड के भाव बहुत तेज है इस बार, और अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा भी नरम होना चालू होते जैसे हुए हैं, तो हमें लगता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। और अगर आप देखेंगे इंडिया में जो जिस तरह से वेडिंग सीजन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है और जिस तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ग्लोबली, हमें लगता है कि टाइटन एक बहुत ही आकर्षक प्ले बनेगा। और टाइटन ने बहुत बेहतरीन एरियाज में भी निवेश किया है, जैसे आपका लेंस कार्ट है और सारीज का बिजनेस है, तो हमें लगता है कि ये काफी एग्रेसिव कंपनी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, और ये हमें लगता है कि आगे जाके अच्छा ही परफॉर्म करेगा। यहाँ पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव इस वक्त नजर आता हुआ विनीत जी की तरफ से। बढ़ते आगे, दिलीप हैं कोलकाता से और इनका सवाल जोमैटो पे है। 2922 शेयर, 2922 इतने शेयर इनके पास, 140 रुपए के लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने इसको खरीदा है। हालांकि आज हम देख रहे हैं स्टॉक में 4% की मजबूती नजर आ रही है। रवि, जोमैटो पे क्या नजरिया बन रहा है, 140 की खरीद है? देखिए प्रशांत जी, इस समय जोमैटो को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये साफ साफ चार्ट पे नजर आ रहा है कि इसका सपोर्ट जो है वो काफी स्ट्रांग 105 के पास देखने को मिल रहा है। और जहां तक मोमेंटम की बात है, देखिए 140 आने में टाइम लगेगा, और अभी के जो चार्ट पैटर्न है उसमें देखा जाए तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, RSI यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, तो अपवर्ड मोमेंटम तो है। लेकिन 105 का लेवल बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो आपको एग्जिट होना पड़ेगा, नहीं तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। अब आप अगर थोड़ा इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 115 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाता है तो आप यहां पर थोड़ा अगर बाइंग कर सकते हो तो और बेहतर होगा, तो आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाएगी, तो आपको 140 जब लेवल आएंगे तो वहां पर निकलने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है अगर इस तरीके से एप्लीकेबल करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी निकल पाएगी। जोमैटो को लेकर आपके लिए अगले दर्शक हमारे साथ विजय हैं MP से। विजय जी पूछिए क्या सवाल है। सर मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 7 शेयर है 950 के भाव के, तो उसको होल्ड करूं कि निकाल दूं अभी? कब लिया था आपने? सर ये करीब साल भर हो गया। ओके, हाँ साल भर, पिछले साल का ये भाव है, इस साल तो ये भाव दिखा नहीं है जिस भाव पे आपने खरीदा है। विनय जी क्या जी करना जी चाहिए, 950 रुपए की खरीद है हैप्पीएस्ट माइंड, रुके ये या निकले? नहीं अभी होल्ड कीजिए, ये अभी जो दौर चल रहा है IT रिजल्ट क्षेत्र का थोड़ा सा वीक क्वार्टर्स होते हैं, तो आगे जाके आपको अगले 3 क्वार्टर में अच्छा आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस। डिजिटल और AI की काफी इंटरेस्ट है, और हमें लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड जिस क्षेत्र में काम करता है तो आगे जाके आपको चांस मिलेगा आपके भाव की रिकवरी आने के। ये भाव मुझे लगता है इस साल की शुरुआत में भी इनको फायदा दिख रहा होगा, क्योंकि ये जुलाई के आसपास भी इनके ऊपर भाव था, जहाँ जिस भाव पे इन्होंने खरीदा है 1000 से के आसपास के भाव थे जुलाई, जून जुलाई के आसपास में। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हैं, हेमंत है उदयपुर से। हेमंत जी पूछ, और उनका सवाल हिंदुस्तान जिंक पर है, 100 शेयर है उनके पास 320 रुपए के भाव पर। हिंदुस्तान जिंक कैसा लग रहा है आपको? रवि जी क्या करना चाहिए, 100 शेयर है इनके पास 320 रुपए के भाव पर? देखिए फिलहाल तो चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, एक सपोर्ट की बात कर लें तो यहां पर 292 रुपए का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट के पास है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, ऊपरी लेवल की बाइंग जरूर है, लेकिन अभी जो चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं जिसके हिसाब से लग रहा है कि टॉप की तरफ वापस बढ़ेगा और यहां पर बॉटम आउट हो रहा है स्टॉक, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, जल्दबाजी मत करिए। और आप साइड के अगर मोमेंटम की बात करें तो 335 रुपए का तो दिखाई देगा, लेकिन समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 15 दिन में आने वाला है, लगेगा एक महीने से कम 40 दिन तक, 40 से 60 दिन तक का समय लगेगा, तो पोजिशन को अभी होल्ड रखिए। बिल्कुल, तो ये है नजरिया हिंदुस्तान जिंक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, हर्ष सिंह हैं उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल जो है वो सुजलॉन पे है। 588 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 31.5 रुपए के भाव पे इन्होंने यहाँ पर एंट्री की है। फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ऊपर ये स्टॉक का, सुजलॉन पे आज हम देख रहे हैं कि लगभग 5% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। कल भी बहुत सारे कॉलर्स ने यहाँ पर नजरिया मांगा था, चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। विनीत सर क्या करना चाहिए, सुजलॉन में 31 रुपए की खरीद, आज हम देख रहे हैं लगभग 5% ऊपर स्टॉक। बहुत बहुत मुबारक, आपने बहुत अच्छा शेयर अच्छे लेवल पे खरीदा है,
और हमें लगता है कि ये शेयर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले सालों में, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में निश्चिंत रहिए कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में। आप इसे होल्ड कर सकते हैं, आपने अच्छे भाव पे खरीदा है, आगे भी आपको फायदा हो सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ है मुंबई से, हालांकि उन्होंने सवाल भेजे हैं। MRPL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी के 1000 शेयर है उनके पास, 106 के भाव पे फिलहाल भाव है, 112 के आसपास। आज जबरदस्त तेजी है, करीब 7% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। रवि जी, क्या सलाह देंगे MRPL में इनको? देखिए, जब आपने विश्वमोहन जी तेजी की बात की है, तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि अब ये अपने जो है वो हर नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। 117 रुपए पे एक हर्डल जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 200 डीएमए से ऊपर निकलने के बाद ये स्टॉक के कंटिन्यूअस हायर हायर बनाता जा रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 105, एक तो पहला ये स्टॉप लॉस डाल लीजिए, दूसरा टारगेट की बात कर ले तो 135 रुपए तक का लक्ष्य यहां पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये स्टॉक अच्छा है, बाय करिए करंट लेवल पे, 106 का स्टॉप लॉस लगाइए, 135 का टारगेट, एक बढ़िया कॉल यहां पर जनरेट हो रही है। और मुझे लगता है ये जो 7% की आपको रैली दिख रही है, इससे पैनिक मत होइए और खरीदारी करने के सोचिए, प्रॉफिट बुक करने के मत सोचिए, ट्रेंड स्ट्रांग है और अपसाइड पे इतने लेवल्स आते हुए नजर आए। सही बात है, 106 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पे खरीदारी करने की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है 135 रुपए के टारगेट के लिए, और उनको लग रहा है ये तेजी बनी रह सकती है और इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा शेयर है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी, अगर शेयर ना चला तो डिविडेंड तो मिलते रहेंगे आपको। नेहा है मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। नेहा, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास इंडिया ग्लाइकॉल है, 800 रुपए के भाव से 50 शेयर, तो उसमें कुछ आप बता सकते हैं कि मैं कब तक होल्ड करूं कि मेरा भाव आएगा? ठीक है, ठीक है, रवि जरा बताइए इंडिया ग्लाइकॉल्स में ऊपरी लेवल की खरीदारी आज, हालांकि 2.25% स्टॉक मजबूत है, इंडिया ग्लाइकॉल्स में 800 रुपए पे इन्होंने एंट्री ली है, क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, इस समय मैं अगर डेली चार्ट देख रहा हूं तो आपको देख पाएंगे कि 640 रुपए का 200 डीएमए बनता है और वहां से ही स्टॉक ने रिवर्ट किया है। इसका हाई जो रहा है बीच में वो रिसेंट डेज पे 801 रुपए का देखने को मिला था आपको 12 सितंबर 2023 को। अब वापस से स्टॉक एक अच्छे अग्रेसिव अपवर्ड मोमेंटम में है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए मैम, और अगर हो सके तो आप करंट लेवल पर थोड़ी खरीदारी भी कर सकती हैं, एवरेज कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप अगर 50% शेयर खरीद लेती हैं तो आपका 750 रुपए का एवरेज आ सकता है और मौका है, फ्रेश सपोर्ट बाय यहां पर दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है 680 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहिए, अपसाइड टारगेट 802 रुपए का यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां बने रहने की सलाह आपको, अहम टारगेट्स भी आपको बताए गए। बढ़ते आगे, अजय हैं गुड़गांव हरियाणा से और इनका सवाल SBI पे है। 308 शेयर इन्होंने लिए हैं, 586 रुपए के भाव पे इन्होंने SBI में एंट्री ली है, स्टॉक में एंट्री ली है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाव से थोड़ा नीचे है स्टॉक इनके, लेकिन आज जो है वो 1% की लगभग तेजी यहां पर नजर आ रही है। विनीत सर, क्या करना चाहिए SBI में? 586 रुपए की खरीद है। नहीं, थोड़ा स्लो शेयर है, लेकिन इसके अनुमान बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और ये लार्ज कैप में सबसे सस्ता काउंटर है। इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये शेयर आपको होल्ड करना चाहिए। और लेकिन ये आपको है ना थोड़ा सा तकलीफ देगा कि ज्यादा बढ़ता नहीं है इमिजिएटली, लेकिन जिस दिन इसकी चाल चालू होगी तो आप इस हाथी को नहीं रोक पाओगे, तो इसमें बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और इसको लॉन्ग टर्म की अवधि से ही रखिए। ठीक है, तो यहां बने रहने की सलाह, लंबी अवधि का नजरिया हालांकि आपको रखना होगा। बढ़ते आगे, समाधान निकालने के तरीकों पर गो फर्स्ट के लेंडर्स की 6 नवंबर को बैठक हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताएं क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी हाँ, गो फर्स्ट के लेंडर्स हैं वो अगले हफ्ते बैठक करने वाले हैं। जो बैठक है इसमें अहम चर्चा ये होने वाली है कि अब जो रिजोल्यूशन ऑप्शंस हैं वो क्या बचे हैं, उन पर किस तरीके से विचार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो EOIs मंगवाए गए थे वहाँ पर सिर्फ 3 बिडर्स थे, उसमें से 2 प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को छांटने में 2 की छटनी हो गई थी और एक जो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट थे जिंदल पावर, जो कि
जो कि नवीन जिंदल की कंपनी है, लेकिन यहां सूत्रों से जानकारी यही आ रही है कि उन्होंने भी कोई फाइनल बिड सबमिट नहीं की है। तो इस सब जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से लेंडर्स के लिए काफी अफरा तफरी जैसा माहौल है, क्योंकि कोई भी तरीके से जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, और इसलिए भी है क्योंकि ये जो टाइमलाइन है वो कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब जो ऑप्शंस बचे हैं उसमें से एक तो ये भी है कि आप रिजोल्यूशन टाइमलाइन को फिर से एक बार बढ़ा दें, लेकिन अनलिमिटेड टाइम ऑफ एक्सटेंशन भी लेंडर्स नहीं चाहते हैं, या फिर फाइनल जो ऑप्शन हमेशा किसी भी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो आईबीसी से जाता है वो रहता है लिक्विडेशन का। तो चूंकि अब लिमिटेड एसेट्स भी बचे हैं, क्या लेंडर्स वहां पर जाएंगे, वो लिक्विडेशन का ऑप्शन तलाशेंगे, तो ये सारे फाउंडेशन कॉम्बिनेशन अगले हफ्ते की जो बैठक है उसमें चर्चा होगी। लेकिन एक अहम मुद्दा यहां पर ये भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आने वाला है डी रजिस्ट्रिंग ऑफ एयरक्राफ्ट का, यानी कि जो लेसर्स हैं जिनके यहां पर बकाया है कंपनी पे, क्या वो अपना एयरक्राफ्ट वापस ले सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहां पर लेंडर्स के लिए कुछ अच्छा जरूर नहीं है, क्योंकि जो बयान दिया है डीजीसीए ने दिल्ली हाईकोर्ट में, ये बोला है कि उनका जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक लेसर्स अपने एयरक्राफ्ट वापस ले सकते हैं। तो एसेट्स भी लेंडर्स के पास कम बचे हैं, ऑप्शंस भी कम बचे हैं। अब देखना यह होगा कि जो अगले हफ्ते बैठक होने वाली है वहां पर फाइनली रिजोल्यूशन के लिए क्या फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर इस अहम जानकारी के लिए। तो अहम खबर है ये, और इसमें आगे के डेवलपमेंट का इंतज़ार रहेगा। लेकिन इस नज़रिए से ज़रा एविएशन स्टॉक पर भी फोकस करते हैं, इंटरग्लोब एविएशन को ज़रा हम आपके सामने रखते हैं। और रवि बताइए, हालांकि स्पेसिफिक जो है वो खबर जुड़ी हुई है गोफर्स से, लेकिन अगर हम एविएशन स्टॉक्स को देखें, पिछले दिनों हमने देखा एक तेज़ी नज़र आई थी इंटरग्लोब एविएशन में, आज हालांकि हल्का दबाव है यहाँ पे, कोई नज़रिया आपका इस पे? के लिए तो थोड़ा सा वीक लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास है तो ये चीज की तैयारी करें कि ये अभी 2430 से 2420 रुपए के बीच के रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यहाँ पर प्राइस से ऊपर चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं, और ओवरऑल अगर सेंटिमेंट देखें तो थोड़े वीक लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, इनफैक्ट शॉर्ट साइड के लिए जरूर यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 2420 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, वीक है काउंटर यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर काउंटर वीक होता नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। उत्पल है हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त। उत्पल गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे सवाल से सुमितो केमिकल पे है जी। तो मेरे 35 के क्वांटिटी है, रेट है वो 431। ठीक है ठीक है, तो थोड़ा ऊपरी लेवल पे आपने यहाँ पर एंट्री ली है, नुकसान हल्का होता हुआ आपको यहाँ पर। तो सुमितो केमिकल पर जरा हम एक राय लेते हैं, विनीत जी क्या करना चाहिए? सुमितो केमिकल्स होल्ड करिए, ये आपको ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आने वाले सीजन बेहतर रहने वाला है एग्रोकेमिकल स्टॉक्स के लिए, तो आप देखेंगे कि ये अच्छा नई ऊंचाई छुएगा। दूसरा क्या है कि ये स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग आती है फ्रॉम एफआईज, काफी अंडर होल्ड है, तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी इसमें इंटरेस्ट भी आता रहेगा, और हमें लगता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रहने की सलाह, संकेत आगे। अगले कॉलर हैं प्रकाश हैदराबाद से। प्रकाश गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। हेलो जी प्रकाश, पूछे अपना सवाल। या मैंने हैप्पीस्ट माइंड्स एक वन ईयर के पहले लिए थे, रेट ऑफ 1435। तो अभी वो आते आते कोविड के बाद और कोविड सुधरने के बाद गिरते जा रहे, अब व्हाट शुड आई डू फॉर दैट, कैन आई होल्ड इट और सेल इट? ठीक है ठीक है, इस पे एक बेहतर नजरिया आपको बहुत आवश्यक है। रवि हैप्पीस्ट माइंड बहुत जो है नुकसान हो रहा है इस स्टॉक में, इन्हें 1436 की खरीद है, आगे जो है वो क्या रणनीति इनको अपनानी चाहिए?
देखिए प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हैप्पीएस्ट माइंड में अब हैप्पी रहने के लिए कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पुअर है, ऊपर से 1000 रुपए से गिरावट जो है वो 800 रुपए तक आ चुकी है और गिरावट अभी बढ़ सकती है, एक बार 650 तक के लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप बिरला सॉफ्ट, अगर आईटी काउंटर में रहना है तो बिरला सॉफ्ट यहाँ से ज्यादा अच्छा, ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा दमदार दिखाई देता है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, जो इसमें आप देख रहे हैं जस्ट उल्टे चार्ट स्ट्रक्चर उसमें बनते हुए नजर आ रहा है और वो अपसाइड का मोमेंटम यहां पर ज्यादा बड़ा दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ट्रेन यहां पर बदलनी चाहिए, अगर टारगेट आपको अचीव करना है, प्रॉफिट में वापस आना है, तो आप बिरला सॉफ्ट पे स्विच कर जाइए, इस स्टॉक से एक बार निकल जाइए। स्टॉक से निकलकर बिरला सॉफ्ट, जी हां, बिरला सॉफ्ट में आपको निवेश करने की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। स्वप्निल यादव हैं पुणे से। स्वप्निल गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। लगता है स्वप्निल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। टाटा एलेक्सी के 300 शेयर इनके पास हैं, 7242 के भाव पे इन्होंने टाटा एलेक्सी का शेयर लिया हुआ है। इनका एक और सवाल है, वो आगे हम पूछेंगे, लेकिन पहले टाटा एलेक्सी पर एक नज़रिया जान लेते हैं। रवि आप ही बताइए, बधाई देनी होगी, 7242 के लेवल पे एंट्री की, स्टॉक्स की संख्या भी अच्छी थी और अच्छा खासा मुनाफा इस वक्त। प्रकाश जी बधाई तो आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया जगह पे इनसे सवाल पूछा और बिल्कुल बने रहिए, 8000 के ऊपर निकलते ये काउंटर वापस से 9500 की सीरीज में आएगा। डेली चार्ट पे अगर देखते हैं तो आपको जो यहाँ पर 200 डीएमए है वो 7000 के पास आ रहा है और ज्यादातर 20 और 25 डे मूविंग एवरेजेस देखते हैं तो वो 75 के ऊपर प्राइस चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो टारगेट बहुत अच्छे हैं, 9500 वापस रिट्रीव होते हुए नजर आएंगे। एक हर्डल 8000 का है, लेकिन वो मुझे लगता है क्रॉस हो जाएगा, तो बिल्कुल बने रहे। और प्रशांत जी मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट ये देख रहे हैं इससे डबल होता हुआ नजर आएगा। बहुत बधाई आपको, आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है और आगे भी दमदार संकेत जो हैं वो आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक और सवाल है रवि इनका, कल्याणी इन्वेस्टमेंट पे। हालांकि यहाँ पर उनकी खरीदारी थोड़े ऊपरी लेवल पे, 2705 रुपये पे इन्होंने खरीदा, 178 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए एक आपने बहुत अच्छा खरीदा, दूसरा आपने जहां पे खरीदा है वहां से गिर रहा है और अभी इसके हालात भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा सा आज जरूर तेजी का ट्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा थक जाएगा वापस आकर के 465 और 470 के पास। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि 465 और 470 के बीच में आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। अब एग्जिट करके कहां जाएंगे, अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी और SBI पे अगर भरोसा आपको ज्यादा रखना है तो फिर रखिए, क्योंकि 680 रुपए का लक्ष्य है इस साल का SBI का, तो आपके लिए मौका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुकिए, लेकिन ऊपर वापस आता है तो एक बार को पोजीशन पे वापस एग्जिट करिए। अपसाइड पे 2700 के आसपास की खरीद है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, तो आप स्विच कर लेंगे, वहां पर ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे और ज्यादा जल्दी मुनाफे की तरफ कन्वर्ट होंगे। तो थोड़ा सा पुल बैक करता है, रैली आती है, एक बार को एग्जिट करिए और SBI की तरफ ट्रांसफर हो जाइए, आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई। और चलिए अब सवालों के सिलसिले को यहीं पर हमको रोकना होगा, शो के आखिर में हम आ चुके हैं और अपने दोनों एक्सपर्ट रवि जी और विनीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में अहम सलाह देने के लिए, खास विश्लेषण के लिए।